एम के एम से इतिहाद कायम रहेगा, मुतहदा के तहफुजात भी जायज हैं, मिल बैठ कर दूर कर लेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पर उम्मीद, बोले मुतहदा वजारतों के लिए पीपी के साथ नहीं जाएगी। इमरान इस्माइल ने गवर्नर सिंध की तब्दीली को मजाक करार दे दिया। एम के एम एक बहुत इम्पोर्टेंट इत्तेहादी है इस वक्त जमात का, हुकूमती जमात का, और ये इत्तेहाद इंशाल्लाह कायम रहेगा। जो भी तहफ़ुज़ात हैं एम के एम के या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के, उसे उनसे मिल बैठ के दूर कर लिया जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उन्होंने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार नहीं की है, उन्होंने वजारत से इस्तीफ़ा दिया है, जिसमें वो उनकी जो कुछ मुतालबात हैं जो काफ़ी हद तक जायज़ हैं, तो मैं समझता हूँ कि उस पर उनसे बातचीत करके और इन चीज़ों को अमल करके, इन चीज़ों के ऊपर इसको स्पीड भी तेज़ की जाएगी कराची के जो मुतालबात हैं उनके ऊपर, और जो एम क्यू एम की ख़ास तौर से मुतालबात हैं या एम क्यू एम की जो ख्वाहिशात हैं अब इस शहर कराची को लेके ख़ास तौर से, उसके ऊपर भी अमल पैरा किया हुआ जाएगा। जितना मैं एम क्यू एम को जानता हूँ, वो वजारतों पर गिरने वाले नहीं हैं कि अगर उनको पीपल्स पार्टी ज़्यादा वजारतें ऑफ़र कर दे तो उधर चले जाएंगे और तरीके इंसाफ ज़्यादा वजारतें ऑफ़र करे तो उधर चले जाएंगे। ये उनका इस्तेहकाक है कि वो जिधर जाना चाहें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ होने वाली है। कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं है, आपस में बैठ के इन मामलों को हल कर लेंगे।